हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नवरात्र में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा के बाद 10वें दिन दशहरे का त्योहार मनाया जाता है। दशहरे पर रावण का दहन किया जाता है। दशहरे का पर्व असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर रावण के दहन के बाद एक विशेष पौधे की पूजा की जाए तो आप पर और आपके परिवार पर भगवान की कृपा छप्पर फाड़ कर बरसती है। कौन सा है वो पौधा, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्रिल। मैं हूं आपके साथ नितीशा बंसल। देश के अलग अलग हिस्सों में विजयदशमी का पर्व अपनी अपनी लोक परंपराओं के अनुसार मनाया जाता है। इस दिन रावण दहन भी किया जाता है, जो बुराई और अहंकार का प्रतीक है। लेकिन विजयदशमी के दिन शस्त्र पूजा के साथ साथ एक खास पौधे की पूजा से चमक सकती है आपकी किस्मत। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शमी के पेड़ की। दशहरे पर शमी के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व होता है। विजयदशमी पर रावण दहन के बाद कई प्रांतों में शमी के पत्ते को सोना समझकर देने का भी प्रचलन है। चलिए हम आपको बताते हैं कि क्यों की जाती है शमी के पेड़ की पूजा। मान्यता है कि महाभारत युद्ध के दौरान पांडवों ने शमी के पेड़ के ऊपर ही अपने हथियार छुपाए थे, जिसके बाद उन्हें कौरवों से विजय प्राप्त हुई थी। इसी कारण क्षत्रियों में इस पूजन का महत्व ज्यादा है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जिस वर्ष शमी का पेड़ ज्यादा फूलता है, उस साल सूखे की स्थिति का निर्माण होता है। दशहरे के दिन इसकी पूजा का तात्पर्य ये भी है कि ये पेड़ आने वाले सभी विपदाओं का पहले से ही संकेत दे देता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार लंका पर विजय के बाद श्री राम ने शमी पूजन किया था। नवरात्र में भी माँ दुर्गा का पूजन शमी वृक्ष के पत्तों से करने का विधान है। गणेश जी और शनिदेव दोनों को ही शमी बहुत प्रिय है। न्याय के देवता शनिदेव की टेढ़ी नजर से रक्षा करने के लिए शमी के पौधे को घर में लगाकर उसकी पूजा करें। वास्तु शास्त्र के मुताबिक नियमित रूप से शमी वृक्ष की पूजा की जाए और इसके नीचे सरसों तेल का दीपक जलाया जाए तो शनि के कुप्रभाव से बचाव होता है। तो फिर आप भी इस दशहरा कीजिए शमी के पेड़ का पूजन, ताकि आपके घर में भी बरसेगा धन, बरसेगी छप्पर फाड़ कर कृपा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।